उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में विभिन्न सुविधाओं के अभाव में लोग लगातार गांव से पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते ये गांव घोस्ट विलेज में तब्दील होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिवर्स माइग्रेशन करके अपने गांव को आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स जो लंबे समय से मेट्रो सिटी में काम कर रहा था, अब अपने गाँव क्यूराली को आबाद करने के लिए कृषि और बागवानी के क्षेत्र में काम कर रहा है। क्यूराली गाँव निवासी आनंद नेगी बात करके उसमें कृषि और बागवानी कर रहे हैं। वहीं साल 2022 में 550 सेब के पौधे लगाए थे, अब 1000 नए पौधे लगाने का विचार है। आनंद नेगी बताते हैं कि उनका गांव कोट ब्लॉक में पड़ता है, लंबे समय से गांव आने का 2022 से उन्होंने 100 नाली खेतों को आबाद करना शुरू कर दिया। यहां विभिन्न प्रकार की सब्जियां दाल उगा रहे हैं, साथ ही सेब उत्पादन पर उनका विशेष ध्यान है। कोशिश की और आस्ता आस्ता में छोटी छोटी जमीन लेते लेते मैं कम से कम यहाँ पर 100 नाली खरीद चुका हूँ, परचेज कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ सेबों का बगीचा लगाया, यहाँ पे मैंने 10 पोली हाउस लगाए। यहाँ पर हमारे को गवर्नमेंट बहुत प्रोत्साहन कर रही है, बहुत हमें काफ़ी मात्रा में हमारे को सब्सिडीज मिलती है। ये मैंने सेब के 550 पेड़ लगाए थे, 2 साल पहले लगाए मात्र, जिसमें मुझे 80% अनुदान मतलब गवर्नमेंट से मिला और मैं इस कार्य को कर पाया। ऐसे ही मेरे 10 पोली हाउस थे, एक पोली हाउस लगभग 2.5 है, मुझे मात्र वो 30,000 रुपये में, 12,000 रुपये में हम मुझे इसी मतलब 10% मैंने उसका दिया, 90% मेरे को सब्सिडीज मिली। तो मैंने काम किया, काम में और किस्मत भी इतनी अच्छी थी। कहते हैं जब आदमी काम करता है तो उसके साथ किस्मत ने मेरा साथ दिया। पिछले साल जब मैंने ये लास्ट वृक्ष लगाया तो यहाँ पर बहुत ही भरपूर बारिश रही, लगातार लगभग 10 महीने तक लगातार बारिश रही, जिससे ये परिणाम आप देख रहे हैं, ये सेब देख रहे हैं आप बिल्कुल सामने, आप हर पूरा हरा भरा मतलब हमारा बाग है। और मैं सभी उन जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, हमारे उत्तराखंड के वासी हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप भी प्रयास करो, प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती।